मुद्दा हमेशा से छाया हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण के लिए आवाज उठाती रही है। वहीं कांग्रेस के नेताओं द्वारा अक्सर इसका विरोध किया गया, लेकिन झांसी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आज राम मंदिर का समर्थन करते दिखे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भगवान राम के वंशजों के बारे में जिक्र किया था, जिसके बाद रघुवंशी समाज के लोगों ने दावा किया है कि वह भगवान राम के वंशज हैं, जिसके लिए वह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के समाज के लोगों के साथ अयोध्या जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह पहले भगवान राम के दर्शन करेंगे, इसके बाद वहां के जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से बताएंगे कि वह उनके वंशज हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द भगवान राम का भव्य मंदिर बने। होशंगाबाद आप कहाँ जा रहे हैं और आपका यहाँ किसने शुभ स्वागत किया है? हम लखनऊ जा रहे हैं, अपने अयोध्या जा रहे हैं वाया कानपुर, और यहाँ पे स्वागत आदरणीय श्री प्रदीप जैन साहब पूर्व मंत्री महोदय ने हम लोगों का स्वागत किया है पूरी यात्रा का। यहाँ पे आप कहाँ बोला? अयोध्या। किस चीज के लिए जा रहे हैं? अयोध्या हम हमारे ईस्ट और हमारे रघुवंश के पूर्वज भगवान श्री राम के दर्शन करने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो थोड़ा सा बात रखी थी कि कौन है उनके वंशज क्या है, तो हम वहाँ आस्था जगाने जा रहे हैं अपनी, कि वहाँ से सुप्रीम कोर्ट को खबर हो जाए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने रघुवंशी हैं वो यूपी से माइग्रेट हुए हैं, अयोध्या और उसके आसपास से माइग्रेट हुए हैं और भगवान श्री राम के वंशज हैं। ये आरो भोपाल से अयोध्या बाईपास से चली है, इसमें समस्त रघुवंश समाज की ओर से, रघुवंशी का अस्तित्व की ओर से रामायण यात्रा, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी राम मंदिर के बारे में सुनवाई हो रही थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील एवं जज ने ये कहा था कि इसमें कोई राम का वंशज है या नहीं, तो आज हमें राम का वंशज होने का गौरव प्राप्त हो रहा है कि हम अयोध्या जाकर एडीएम एंड कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर और रामायण की प्रति सौंप कर ये कहेंगे राम के वंशज हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे कि राम के वंशज अभी पूरे भारत में है, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में। वहीं उनका समर्थन करने कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने रघुवंशियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी पार्टी का एजेंडा भले ही हो, लेकिन यह हर हिंदू की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो हर पार्टी से ऊपर है। भगवान राम के वंशज अयोध्या नगर भोपाल की चरण रज लेकर, भगवान राम की चरण रज लेने आज अयोध्या धाम जा रहे हैं, और इन सबका एक ही लक्ष्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ये वंशज हैं तो उनके मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मंत्री जी, अभी तक उत्तर चला आया है कि हम राम लला आएंगे, मंदिर में आएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, लेकिन ये राम के वंशज हैं, ये दलों से ऊपर उठकर दिल के आधार पर जा रहे हैं। इन्हें कोई कांग्रेस भाजपा बीएसपी सपा से मतलब नहीं है, इन्हें एक ही मतलब है कि जो इनके पूर्वज थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके मंदिर का निर्माण हो, और ये संविधान के तहत वहाँ एसडीएम को एक ज्ञापन भी देंगे, और ये संकल्पित हैं कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर बने। झांसी से विवेक द्वारे की रिपोर्ट।